नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजधानी के इको गार्डन में अखिल भारतीय संयुक्त चिकित्सा मित्र मोर्चा एवं रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश एवं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह मौर्य के अनुसार धरने का 24वां दिन चल रहा है। पहले हमारे और हमारे संगठन द्वारा धरना किया जा रहा था, जिसमें एसीएम ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से आपको जल्दी मिलवाया जाएगा और वार्ता कराई जाएगी, लेकिन लगभग 10 से 15 दिन के इंतज़ार करने के बावजूद आज तक न ही किसी ने वार्ता की और न ही कोई आवश्यक कदम उठाया गया। अभी तो सरकार के सामने सांकेतिक धरना हो रहा है, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा संघ लामबंद होकर सड़क पर उतरेगी एवं ज़रूरत पड़ने पर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। धरना में प्रदेश अध्यक्ष ओपी सिंह मौर्य, जावेद अहमद अंसारी, विजेंद्र योगेंद्र कुमार, आनंद कुमार, पाचू प्रसाद एवं दर्जनों चिकित्सक ने धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर एक आवाज़ में बोलकर सभी ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। इको गार्डन लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। आपका आनंद कुमार, ग्राम पठौरी, जिला चंदौली। क्या आपकी मांग है? हम लोग ये चाहते हैं कि सभी चिकित्सकों को आरएमपी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो और सब जितने भी अनुभवी चिकित्सक हों उनको पंजीकृत किया। तो आप क्या चाहते हैं कि जब तक कि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो क्या आप यहाँ से उठ जाएंगे? नहीं नहीं, तब तक धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्टार न्यूज चैनल लखनऊ। आइए बात करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश अखिल भारतीय संयुक्त चिकित्सा मित्र, हमारी मांगे पूरी हो, क्या कहना है इनका इस विषय में? प्रकाश मौर्य हूँ जी। क्या क्या आपकी मांगे हैं? मैं जनपद सोनभद्र, मेरी मांगे हैं कि जो अनुभव के आधार पर रोगियों का चिकित्सा सेवा भाव से कार्य करते हैं जंगल पहाड़ गांव गिराव दूर क्षेत्रों में जी। इनको सरकार के तरफ से इनको मान्यता दिया जाए आरएमपी का रजिस्ट्रेशन। और कुछ आपको कहना है? हमारा कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अनऑथराइज नॉन क्वालिफाइड नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जी। इन लोगों को सरकार चाहे तो 20 लाख लोगों को रोजी रोजगार दे सकती है और उनको चिकित्सा स्वास्थ्य मित्र बना सकती है। ये हमारी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से। और आपका ये प्रस्ताव कहीं तक आपने पारित कराया, कहीं पहुँचे हैं, कहीं तक किस प्रोसेस पे हैं आप? हम लोगों ने अखिल भारतीय संयुक्त चिकित्सा मित्र मोर्चा के बैनर तले एवं रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी एक पंजीकृत संस्था है, इसके माध्यम से सन 2002 से लगातार हम लोग जितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने सभी मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से और जाकर के वार्ता किए। सभी लोगों ने आश्वासन दिया लेकिन सभी लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। इस बार हम लोग जो है 25 जून 2018 से अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं इको गार्डन लखनऊ में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी और कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री सिद्धनाथ सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने के लिए एसीएम जी आए थे और जो है एसीएम तृती ने आश्वासन दिया। एसीएम जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से हम मिलवाएंगे, आप लोग धरना को अनशन को आप समाप्त कर दीजिए। कब तक मिलवाएंगे? और उन्होंने कहा था तीन चांस दिए, तीन बार डेट दिए, तीनों बार इन्होंने फ्लॉप रहा, वार्ता विफल रही, नहीं करा पाए, झूठा आश्वासन रहा। अंत में हम लोग आकर के आज फिर से हम लोग धरना पर फिर पुनः बैठे।